बिहार के चुनाव परिणाम आए हैं, इसके लिए मैं बिहार के लोगों को बधाई देता हूं और ये बिहार के लोगों की जीत है, बिहार की भावना की जीत है। ये बिहार के स्वाभिमान की जीत है और महागठबंधन को बिहार के लोगों ने एक मुस्त और जबरदस्त समर्थन दिया, उसी का ये परिणाम है। यह जीत बहुत बड़ी जीत है और इस जीत को हम सब लोग विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं और इस जीत में जहां लोगों का समर्थन है तो ये साफ दिखता है कि लोगों के मन में कुछ आशा है। बिहार को आगे बढ़ना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और समाज के हर तबके के मन में जो उम्मीद है हम सब लोग उसको अच्छी तरह समझते हैं और जो जनता की उम्मीद है उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। हम लोगों के मन में कोई बिहार के संदर्भ में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रहेगी। चुनाव के दौरान चाहे जो कुछ भी हुआ हो हम अपने काम में उससे प्रभावित नहीं होंगे। हम लोग मिलजुल कर पॉजिटिविटी के साथ एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे काम करेंगे। देश भर में लोगों के मन में उल्लास था तो एक जो देश भर के लोगों की निगाह टिकी हुई थी इस चुनाव पर तो स्वाभाविक है कि बिहार के जो नतीजे आए हैं उसका एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी मतलब है और ये साफ हो गया कि पूरे देश में अब राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त विकल्प और सशक्त विपक्ष की चाहत लोग रखते हैं। जीत के बाद कोई हम विपक्ष के प्रति बिहार में जो हमारे मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे उनके बारे में कोई हम लोगों के मन में ऐसी भावना नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाएं, इस तरह की भावना से हम कभी गाइडेड नहीं होते, आगे भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि नेशनल कंटेक्स्ट में जो एक लोगों के मन की भावना थी और बिहार पर जो निगाह टिकी हुई थी तो बिहार अपनी इस भूमिका को भी समझता और हम लोग महागठबंधन के लोग जितनी एकजुटता चुनाव में थी उतनी ही एकजुटता और उससे भी ज़्यादा एकजुटता के साथ आगे अपना काम करेंगे। हम लोगों ने महसूस किया था कि चुनाव के दौरान कई तरह से इस प्रकार का प्रयास हुआ कि समाज में ध्रुवीकरण की कोशिश की जाए लेकिन हमने देखा कि जनता ने पूरे तौर पर इन चीज़ों को नकार दिया है। तो लोगों का जो मन बना है वो एक सोच समझकर और ठोस ढंग से बना है। जनता ने डिसाइसिव मैंडेट दिया और इसी की परिस्थिति ऐसी ही परिस्थिति को हम लोग महसूस करते हैं और बाकी चीज़ों पर तो हम लोग आपस में